नमस्कार, जी हिंदुस्तान में स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूं आदर्श दीक्षित। सबसे ज्यादा आईपीएल फाइनल खेलने वाला खिलाड़ी कौन है? बतौर कप्तान सबसे ज्यादा मैच जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? आईपीएल में सबसे ज्यादा कैच और स्टंपिंग करने वाला विकेटकीपर कौन है? सबसे ज्यादा आईपीएल मुकाबलों में कप्तानी करने वाला खिलाड़ी कौन है? ये सवाल तो कई हैं, लेकिन इसका जवाब एक ही है और वो है महेंद्र सिंह धोनी। आईपीएल का दूसरा फेज शुरू होने वाला है और शुरुआत होगी चेन्नई सुपर किंग्स के मैच से। एक बार फिर सबकी निगाहें टिकी हैं एमएस धोनी पर। अनगिनत रिकॉर्ड, यादगार जीत और कुछ कड़वी यादों के साथ वे यूएई पहुंचे हुए हैं। चेन्नई सुपर किंग्स आईपीएल के इस सीजन में कितनी मजबूत है और धोनी के साथ वह कैसा प्रदर्शन करने वाली है, ये जानना भी बेहद दिलचस्प है। आईपीएल की येलो आर्मी यानी चेन्नई सुपर किंग्स, उसके पास अनुभवी और युवा खिलाड़ियों की बड़ी फौज है। एक तरफ एमएस धोनी, सुरेश रैना, फाफ डुप्लेसिस, अंबाती रायडू जैसे सीनियर प्लेयर हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ऋतुराज गायकवाड़, दीपक चहर, सैम करन, शार्दुल ठाकुर और हरिशंकर रेड्डी जैसे युवा और ऊर्जावान खिलाड़ी हैं। आईपीएल के 14वें सीजन में चेन्नई ही एकमात्र ऐसी टीम है जिसके पास प्लेइंग 11 में एक साथ कई ऑलराउंडर खेलते हैं। इंग्लैंड के मोइन अली मध्यक्रम को मजबूती देते हैं, तो वहीं ड्वेन ब्रावो, सैम करन, रविंद्र जडेजा जैसे धाकड़ ऑलराउंडर भी टीम के पास हैं। श्रीलंका में बल्ले के दम पर भारत को सीरीज जिताने वाले दीपक चहर और इंग्लैंड में करिश्माई बल्लेबाजी करने वाले शार्दुल ठाकुर जैसे खिलाड़ियों की ताकत भी धोनी के कंधों को मजबूत करती है। चेन्नई सुपर किंग्स में कृष्णप्पा गौतम, रविंद्र जडेजा, इमरान ताहिर और कर्ण शर्मा जैसे जादुई स्पिनर भी हैं। साथ ही दीपक चहर, लुंगी एनगिडी, शार्दुल ठाकुर, ड्वेन ब्रावो, सैम करन जैसे धुरंधर तेज गेंदबाज भी हैं। कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी खुद अपनी धुआंधार बल्लेबाजी, करिश्माई विकेट कीपिंग और शानदार कप्तानी के दम पर अकेले मैच का पासा पलटने की क्षमता रखते हैं। करोड़ों भारतीयों के दिलों पर राज करने वाले माही सबसे ज्यादा आईपीएल खेलने वाले कप्तान हैं। आईपीएल के मौजूदा सीजन में चेन्नई सुपर किंग्स ने 7 मुकाबले खेले हैं और 5 में उसे जीत मिली है। पॉइंट्स टेबल में चेन्नई सुपर किंग्स दिल्ली कैपिटल्स के बाद दूसरे पायदान पर है। 3 बार की आईपीएल चैंपियन सीएसके जब मुंबई के खिलाफ मैदान में उतरेगी तो इस मुकाबले में 2 कप्तानों की भी जंग देखने को मिलेगी। पहले फेज में चेन्नई को मुंबई ने 4 विकेट से शिकस्त दी थी। धोनी की कप्तानी में 219 रन का विशाल लक्ष्य देकर भी मुंबई के हाथों चेन्नई सुपर किंग्स को मात मिली थी। माही की सेना उस हार का बदला लेने के लिए बेताब नजर आ रही है। आईपीएल 2021 के दूसरे फेज से पहले सीएसके के दिग्गज बल्लेबाज सुरेश रैना ने कहा था कि अगर चेन्नई की टीम ये आईपीएल जीत जाती है तो वे महेंद्र सिंह धोनी को अगला आईपीएल खेलने के लिए मना लेंगे। आईपीएल के 13वें सीजन में बेहद शर्मनाक प्रदर्शन करने वाली चेन्नई क्या इस बार आईपीएल खिताब पर कब्जा करके धोनी को एक और आईपीएल खेलने का मौका दे पाएगी, ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। आईपीएल से जुड़ी हुई अन्य खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जी हिंदुस्तान।